साई इंटरनेशनल स्कूल रो अभिभावक मानकर स्कूल सम्मुखरे तीव्र असंतोष देखा दैछि। एसआईएसपीएफ रो किछि अभिभावक माने साई इंटरनेशनल स्कूल रो प्रिंसिपल को अभिजोग नै देखा करबाकु जाइथिले। से माने प्रिंसिपल को भेटी पिलांकर परीक्षा रिजल्ट बाहर करिया पई अनुरोध करबाकु जाइथिले, किंतु अति दुखर विषय जे स्कूल गेट बंद करी अभिभावक मानक भितर को जीवाकु देइ नथिले। अभिभावक माने कहिथिले जे स्कूल रो प्रिंसिपल किबा चेयरमैन को गेट पाख को डाकी दियंतु, आमे कथा होई चली जिबु, किंतु स्कूल कर्तृपक्ष किछि न सुनी अभिभावक मानक सह खराब व्यवहार करथिले। एतरे अभिभावक माने उत्क्षिप्त होइथिले, भूइंक मध्य रे किछि समय पचचा होइथिला। किछि समय परे पीसीआर भ्यान पहुँचिथिला, सेमाने सबु सुनिबा परे ओ देखिबा परे शांत होइ जैथिले। अभिभावक माने कहिथिले जे स्कूल रो ट्यूशन फी देबाकु राजी अछंती, किंतु कंपोसाइट फी छाड़ी दिया जाऊ बोली कोर्ट रे केस चलीची। कोर्ट रो शेष श्रेणी पर्यंत स्कूल कर्तृपक्ष अपेक्षा करबाकु हेबो बोली अभिभावक माने कहिथिले। अभिभावक मानकर कहिबा अनुसार स्कूल कर्तृपक्ष पिलांक उपरे स्कूल फी नै चाप पकाउछंती, परीक्षा रो रिजल्ट होल्ड करबा जोगु पिलांक उपरे मानसिक चाप पडुस बोली कहिछंती। 7 मास हेलाणी कोविड जोगु फाइनान्स प्रॉब्लम चलीची, सेति पई जेउ सब स्कूल तरफरु सुविधा पाउनाहती से सबुरो फी देबाकु मध्य बाध्य करूछंती। डायरेक्टर अरविंद दास और दीपक सोमनी अभिभावक मानक डाकी कहिथिले जे फी देबा परे रिजल्ट पाइबे, नचेत एही परि रिजल्ट होल्ड होइथिबो सेमाने किछि करि परिबेनी। अभिभावक मानकर कहिबा अनुसार यदि सरकारी स्कूल रे पिलांक पई सुविधा सुजोग थांता, तबे से तांको पिलांक प्राइवेट स्कूल को पढिबाकु आसि नथांते। आम ओडिसा रे सरकारी स्कूल विषय रे न कहिबाटा भलो, यदि पिलांकर भविष्यत चिंता न करि स्कूल कर्तृपक्ष परि दादागिरी चालू रखिबे ओ अध्ययन व्यवसायिक हुए, तबे पिलांकर भविष्यत पई भगवान भरोसा बोली कहिथिले। वर्तमान साई इंटरनेशनल स्कूल से जे निजुकु इंडिया रा नंबर वन स्कूल कहूँ, किंतु नंबर वन स्कूल हवा सत्वे आईटी जोड़ा फेल हो बेसिकल देखा गले छुआ मानकर जो सकाळ बेला क्लास हो क्लास रे आम पिला माने जो माने पेमेंट देना काटेगोरिकाली हिट करा लाइन कटा छुआ माने क्लास करें से ही जिनसटा को जदि स्कूल को जनाऊु से कहते जे आमर आईटी फेल अच्छी। जदि स्कूल नंबर वन इंडिया हो पारे ताले से कौन आई टी नंबर वन हो पारनी। गवर्नमेंट स्कूल रे जो 500 टका खर्च करके पिला पढ़ुंतर पिला क्लास केवे आज पर्यंत फेल हो, किंतु इंडिया रो नंबर वन स्कूल साई इंटरनेशनल स्कूल से स्कूल दे पिला माने पाठ पढ़ी पार ना काटेगोरिकाली कहीं ना इंटेंशनली क्लास रु से वंचित कराऊ आई टी आड़ से लाइन काटिकी कौन जो आमर आई टी फेल होती आई टी फेल हमारे सेमती किसी ना बारंबार ये आई टी फेल हुए दि चार मिनट किंतु एवं मस काल सप्ताह सप्ताह काल आई टी फेल हमारे जस्टिफिकेशन ना यहाँ इंटेनसनाली आम पेरेन्ट्स मानक अत्याचार कराऊ छोट छोट पा मानक अत्याचार करा आमर डे बोर्डिंग इनफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट जितने कि कोविड 19 आम एवं कौन आम ट्यूशन फीस देवा राजी होती जदि से कहते हैं टीचर्स मान पेमेंट अच्छी अलग स्टाफ मान पेमेंट देवार अच्छी ट्यूशन फीस इज एनफ क्या कौन 4800 पिला पढ़ु जब ट्यूशन फीस आप 15,000 भी काउंट कराए कारण ये मिनिमम आम कैलकुलेट कर 10,000 कैलकुलेट कर कैलकुलेट कर 4,800 स्टाफ के देखा आप वेबसाइट छाड़े ट्यूशन बस से सब फीस मगा बर्तमान टीचर मैंने फोन कर जदि जदि कई पैसा दौना ऑनलाइन क्लास बंद कर दिया सेक्शन चेंज कर दिया डिफरेंट वे से पिला पेरेंट्स मानक हरास करा जो पेरेंट्स मैंने आसमें जो आसूँ पेरेंट्स मानक इंडिविजुआल डकाऊँच डकाई कि मैंने धमक दिया आप फोरम रुहतु ना आप फोरम सहित रुहतु आप डिस्कस प्रत्येक आप देखते पुलिस टू आरंभ कर एडवोकेट टू आरंभ कर सबूर आसोसीएसन अच्छी किंतु आपको आसोसीएसन कौन प्रोब्लेम होने आसोसीएसन बाबद को अब्जेक्शन लेटर दे स्कूल अब्जेक्शन देखिए आसोसीएसन कहीं एमती भी आमको मिथ्या केस रही फसा जाइए चंद्रशेखर थाना आम ना मिथ्या अभियोग दिखाई गोटे पेरेन्ट्स को मताई एवं स्कूल भी बहुत लोग अच्छा ये कौन आम पेरेन्ट्स और से मैंने आसिक आम सहित ये पूर्व आम पूर्व भिडियो रेकर्ड अच्छी आसिक आमको ये मारधर कर गंडली कर
ଏବଂ ଆମର କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ପଇସା ଦେଉଛୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଆମର କ'ଣ ହକ୍ ନାହିଁ ଆମେ କେତେ ମାସ ସବୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରି କୋଭିଡ୍ 19 ଆସିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ସଫର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମସ୍ତେ ଘରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାରିକି ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କିଏ ବାହାରିଲା ସେ ପୋଲିସ ରାଶି ବାହାରକୁ ଖାଇଲା ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ରୋଜଗାର କାହାର କ'ଣ ରୋଜଗାର କାହିଁକି ପଇସା ଦେବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଇଏ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ହେବ ତା ବି ଆଗକୁ କିଛି କହିହେବନି ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଏଇ କେସ୍ ଚାଲିଛି କୋର୍ଟ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ଆଗରୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲରେଡି ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ December 31 କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାତି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍କୁଲର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଆସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ କାହିଁକି ଆସୁ କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଏବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ଆମର ଟାଇମ୍ ଦେବା କଥା ସ୍କୁଲ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ଫିସ୍ ଦେବେ ଆମେ ସେମିତି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଫିସ୍ ନଦେବେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲୁ ସିଏ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସିଏ ଚୁପ୍ ହେଇକି ପଳେଇଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଆମକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଯଦି ବେଶୀ ଆମକୁ ହାରାସ କରା ତାହେଲେ ସୁସାଇଡ଼୍ କରିବୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍Sai Satya News